हे गाइस, तो आप सभी को करना क्या है, पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को ओपन करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, मैं जितने बैकग्राउंड पिन जिसका यूज़ करूँगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है कि आपको एड फोटो में जाना है, ठीक है। एड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को लाना है। एंड गाइस, मैं आप सभी को बता दूँ, मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। एंड गाइस, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने इसका ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है। सो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख के बैकग्राउंड इरेज कर लेना। सो गाइस, मैं अपने मॉडल को यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। सिंपली मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेना अपने हिसाब से। एंड गाइस, मैं डन कर लेता हूँ। एंड गाइस, आप सभी को दोबारा से अपने मॉडल को लेना है यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐड फोटो में जाऊँगा, ठीक है। एंड अपने मॉडल को ले आऊँगा, ठीक है। मॉडल गाइस, इसमें हम शेडो गाइस, इसलिए कि हम इसको शेडो की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। आप सभी को गाइस, पीछे जो लाइट दिख रही है, आप सभी को उसको नीचे रिफ्लेक्शन दिख ही रहा होगा। सो गाइस, हमें भी इसका भी यही करना है, अपने दूसरे मॉडल को इसको भी नीचे घुमा के हमें नीचे लगाना है। एंड गाइस, इसका रिफ्लेक्शन भी हमें दिखाना कि हमारे इसके हमारे रिफ्लेक्शन नीचे पड़ रही है, ठीक है। सो हमें इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, आप सभी को भी ऐसे करना है, ठीक है। एंड इसको आपको आपका जो भी भाई गैस जैसा पोज दोगे भाई, वैसे आप सभी को फिट कर लेना है एकदम फिक्स, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैंने कर लिया। सो गाइस, आप सभी को करना है इसकी ओपेसिटी को कम करनी है गाइस, ठीक है। गाइस, ओपेसिटी को इतनी कम करनी है कि जो गाइस लगनी चाहिए कि यार हाँ थोड़ी मतलब शेडो हमारे नीचे पड़ रही है, ठीक है। सो मैंने इसको इतना कर लिया। एंड गाइस, आप सभी को करना क्या है, डन कर लेना, ठीक है। एंड इसमें हम गाइस शेडो बनाएंगे, लेकिन गाइस हल्की सी शेडो बनाएंगे। एंड गाइस, इसका मतलब हम जाएंगे टूल्स में एंड जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इसकी ब्राइटनेस को बिल्कुल जीरो कर देनी है, ठीक है। एंड जाना है इरेजर टूल के अंदर, ठीक है। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इसको इस वाला आइकन से क्लिक करके पूरा वो हटा देना है। एंड गाइस, आपको ब्रश सेलेक्ट करना है। एंड गाइस, इसकी हार्डनेस को फुल कर लेना है, ठीक है। एंड आप सभी को जूम करना है, ठीक है। एंड इसको हल्का सा यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है। हल्का सा गाइस, सॉरी, इसका साइज मैंने छोटा नहीं किया, तो गाइस आप सभी को इसका साइज को भी छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है। तो मैं गाइस वीडियो को थोड़ी फास्ट करता हूँ, ठीक है। गाइस, हमारी शेडो बन चुकी है। एंड गाइस, हम आते बैक। एंड गाइस, इसके बाद अब अपनी शेडो को एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से कम ज़्यादा करके। तो गाइस, मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा गाइस, ठीक है। 61 तक रखूँगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, आप सभी को आपको अपने हिसाब से रख लेना गाइस। मैंने 62 तक रखा, ठीक है गाइस, इसकी ओपेसिटी। एंड गाइस, इसको कर लेना आप सभी को सिंपली डन। एंड गाइस, आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना है इस ब्यूटी मोड में, आपको ऊपर दिख रहा होगा गाइस ये ब्यूटी मोड, ठीक है। इसमें जाना, इसमें जाने के बाद गाइस, आप सभी को करना क्या है, आपको इसमें स्मूथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको क्लिक करना है गाइस, इसमें आपके ऑटोमेटिकली आपकी फेस स्मूथ हो जाएगी। तो गाइस, आप सभी को इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है गाइस, इसमें कुछ ज़्यादा स्मूथ हो जाता है फेस, तो आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसको कर लेना सिंपली डन, ठीक है। उसके बाद गाइस, आप सभी को करना क्या है, एड फोटो में जाना है। एड फोटो में जाने के बाद गाइस, कुछ PNGs आपको लगाने हैं, ठीक है। PNG को मैं ले आऊंगा, जिसको आप सभी करना है इसकी ब्लेंडिंग मोड को गाइस आपको स्क्रीन रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी करने का इसको गाइस को छोटा करना है इस तरीके से, ठीक है। इसको छोटा करने के बाद गाइस, आप सभी को इस तरीके से आपको अपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आपको गाइस देखना है कि आपकी आपकी लाइटिंग कहाँ कहाँ पर पड़ रही है, तो गाइस आपको उसके हिसाब से आपको इसको यहाँ वहाँ पर लगाना है, ठीक है। इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। एंड इसको हम सिंपली कर लेते हैं ऊपर से गाइस, एकदम चेक कर करके आपको लगाना है, ठीक है। एंड डन कर लेते हैं। एंड गाइस, उसके बाद हम दोबारा से जाएंगे ऐड फोटो में, ठीक है। एंड दोबारा से हम इसी PNG को लेंगे। गाइस, इस बार हमें इस PNG को कहाँ पे लगाना है गाइस, इसका भी पहले ब्लेंडिंग मोड स्किन कर लेते हैं। एंड गाइस, उसके बाद हमें इसको अपने सर के पास लगाना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा गाइस लंबा कर लेता हूँ, बिकॉज गाइस ये हम बार बार नहीं लगा पाए, बार बार कहाँ से उठाएंगे। तो गाइस, इसको हमें थोड़ा लंबा करूँगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको ऐसे नीचे की तरफ करना है। एंड गाइस, इसको ऐसे रोटेट कर लेना है, ठीक है। एंड इसको सिंपली आप सभी को ऐसे अपने सर के पीछे लगाना है, ऐसे इस तरीके से लगाना है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस ढंग से एकदम। एंड गाइस, का करना डन, ठीक है। सो अब भाई गाइस, अब इसमें हमें जो भी कलर करेक्शन होगी हमारी, वो होगी लाइटरूम ऐप के अंदर। सो गाइस, अब हम इसको ड्रॉ टूल में जाके 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक करके इसको फोटो को सेव कर लेनी है, ठीक है।
अब चलते हैं बैक एंड गाइज, उसके बाद हम सभी को जाना लाइट रूम ऐप के अंदर। लाइट रूम ऐप को मैंने गाइज ओपन कर लिया एंड गाइज, अब आप सभी को करना क्या है, ऐड फोटो में जाना है। ठीक है, इस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को अपने फोटो को ऐड कर लेना सिंपली। सो गाइज ऐड करने के बाद गाइज आप सभी को ऑल फोटोज में जाना, अपने फोटो को ओपन करना है। ठीक है, एंड अब आप सभी को करना क्या है गाइज, आप सभी को ये नीचे गाइज एक्सपोजर सॉरी ये लाइट को ऑप्शन दिख रहा होगा गाइज, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड आपको इसके हाईलाइट्स को माइनस में रखना है गाइज से 26 तक। ठीक है गाइज, 46 तक। ठीक है, एंड शेडो को आपको बढ़ाना है। ठीक है, शेडो को रखना है 26 माइनस तक। ठीक है, एंड वाइट को आपको प्लस में रखना है 32 तक। ठीक है गाइज, एंड ब्लैक को रखना है माइनस 36 तक। एंड चलते हैं नीचे वाला आइकन पे एंड चलते हैं मिक्स में। ठीक है, एंड रेड कलर की ह्यू को हमें माइनस करना है। ठीक है गाइज, 16 तक माइनस कर लेते हैं। एंड गाइज आपको जाना है ऑरेंज वाले में, एंड गाइज इसके सेचुरेशन को हमें माइनस करना है 25 तक, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है 14 तक। ठीक है गाइज, एंड अब ले लेते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर में आप सभी को गाइज करना क्या है, आप सभी को ह्यू को 23 तक बढ़ा लेना है। ठीक है, एंड सेचुरेशन को कम कर लेना है, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है। ठीक है, एंड ब्लू कलर को भी आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, एंड इसके ये जो गाइज आपको दिख रहा है बैग पर्पल कलर, एंड गाइज इसके सेचुरेशन को कम कर लेना। ठीक है, एंड गाइज आपको नेक्स्ट कलर में एंड गाइज के ह्यू को आपको बढ़ाना है गाइज 22 तक। ठीक है, डन कर लेते हैं डन। एंड गाइज आप सभी को जान बैग इसमें गाइज इसके सेचुरेशन को आपको बढ़ाना है 29 तक, एंड गाइज वाइब्रेशन को भी बढ़ाना है। ठीक है गाइज 22 तक। ठीक है, एंड टिंट को हम गाइज थोड़ा माइनस करेंगे एंड टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है गाइज, Garrett.